मुर्दाबाद 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 कश्मीर में जिस प्रकार से बिहारियों की निर्मम हत्या की गई उसको लेकर के आज पटना के कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान के झंडे को जलाया जा रहा है। यहाँ पर इमरान खान से तब का दहन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपने पता होगा जम्मू कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध इस कारण से भी है कि जो हमारी देश की अपोजिशन पार्टी है, क्या ये इंसान नहीं है? क्या अवसरवाद की राजनीति होगी कि कौन मरा है किसको फायदा होगा, ये राजनीति होगी? हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेस, पाकिस्तान और इमरान खान का विरोध कर रहे हैं कि वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों ने पूरा दहन किया है जिस तरह से बिहारियों पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार लगातार हो रहा है, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादियों तालिबानियों पर कार्रवाई करें। आतंकवादियों को भेजकर बिहारियों मजदूर को पचीत करके हत्या की जा रही है। जिस तरह से हमारे देश को तबाही, भारत सरकार और आज हम सभी देश से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को हत्या जलाकर घोषित करें और बिहारियों पर अत्याचार बंद करें। आतंकवादी पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग विरोध कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में बिहारी लोग का मजदूरों का हत्या हो रहा है, उसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि जब से पाकिस्तान और तालिबान का वहाँ पर गठजोड़ हुआ है, वहाँ पर हत्या तेज हुआ है। अब खास करके बिहारी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आतंकवादी का वहाँ पर पूर्ण रूप से सफाया किया जाए और बिहारियों का जाल माल का सुरक्षा का पूरा व्यवस्था करे सरकार, ताकि वहाँ जितना भी बिहारी अभी काम कर रहे हैं देख सकते उनको हैं क्या वातावरण उनमें पैदा तो बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, निर्मम अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध प्रदर्शन। क्या नाम है आपका? अनिल सानी। क्यों विरोध कर रहे हैं? जिस तरह से आज नवरात्रा 8 दिन से हमारे देश के जो आतंकी बांग्लादेश और पाकिस्तान और तालिबान मिलकर हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है, मजदूरों पर टारगेट किया जा रहा है, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादी पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो एक हिंदू जागेगा, एक मजदूर जागेगा तो जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान चूर चूर हो जाएगा। हम मांग करते हैं भारत सरकार के जल्द से जल्द कार्रवाई करे आतंकवादियों पर। लगातार देखा जा रहा है कि बिहारियों को ही टारगेट किया जा रहा है या फिर जो कश्मीर के बाहर से लोग हैं उनको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है, एक हिंदू पर किया जा रहा है और मजदूर पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के साजिश के तहत भी हिंदुओं पर और मजदूरों पर टारगेट कर रहे हैं। हम भारत सरकार के मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी आतंकवादी पर कार्रवाई हो। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से बिहारियों की निर्मम हत्या की गई कश्मीर में और जो बाहरी लोग हैं, जो कश्मीर से बाहर हैं, जो या फिर वो मजदूर हो, आपने देखा होगा हमने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी खबरें दिखाई कि किस प्रकार से जो ठेला पर गुपचुप का ठेला लगाता था उस बिहारी की भी हत्या कर दी गई। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि जो पाकिस्तान है उसे आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए और जो भी पाकिस्तान इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के साथ। धन्यवाद।